पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, धन्यवाद। कोरोना को लेकर सरकार ने लोगों की भीड़भाड़ इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा रखी है और इसी कारण शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है। वहीं अंतिम यात्रा में केवल 20 लोगों को ही एकत्रित होने की अनुमति है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण कार्य में उद्घाटन समारोह में 200 लोग जुटने की उम्मीद है। भीड़ इकट्ठा करने पर इसलिए पाबंदी है जिससे लोगों के बीच कोरोना के संक्रमण के खतरे को टाला जा सके। वहीं दूसरी ओर सरकार ने राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए एक साथ 200 लोग जुटने की आशंका पर चुप है, जो कि हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन में शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में बुलाया गया है। ट्रस्ट के ट्रेजरर स्वामी गोविंद देव गगरी और अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से कहा गया कि इस कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों को जुटने नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में अनलॉक 2 के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे, जिसमें मास्क पहनने और बड़ी संख्या में भीड़ जुटने पर पाबंदी होने की बात कही गई थी। फिलहाल सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। वहीं इसी बीच अयोध्या कार्यक्रम को लेकर 200 लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की बात सरकार पर सवाल खड़े करता है। अनलॉक 2 के दौरान सरकार ने साफ कर दिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाली भीड़ और बड़े समारोह अनलॉक में पूरी तरह बैन रहेंगे। यहां तक कि शादी से जुड़े कार्यक्रमों में भी लोगों की संख्या 50 रखी गई। इसके अलावा अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 20 कर दी गई। हालांकि अयोध्या कार्यक्रम में प्रशासन ने 200 लोग जुटने की अनुमति पर हाँ कहा है या नहीं अभी साफ नहीं है। सिर्फ अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से 200 लोग आने की बात कही गई है। प्रशासन ने इस विषय में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। स्वामी गोविंद देवगिरी के मुताबिक मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम दोपहर को शुरू होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। स्वामी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कार्यक्रम में सिर्फ 200 लोगों को बुलाया गया है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी ₹140 प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे, धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।